नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि मैंने इस चैनल पे फिर से टाइपिंग रिलेटेड क्यूरीज का एक पहले सेशन हमारा हुआ करता था, मैंने उस सेशन को फिर से स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो कि है कमेंट मैंने लिया हुआ है कुलदीप उपाध्याय जी का, उन्होंने पूछा है DEO और LDC की अलग अलग टाइपिंग होगी या एक में ही दोनों की टाइपिंग कंसिडर की जाएगी। इस चीज़ का आंसर मैं पूरे डिटेल में दूंगा कितने तरीके का टाइपिंग आपका SSC CHSL 2018 एग्जामिनेशन में होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपकी टाइपिंग जो कि होती है SSC CHSL 2018 में जो होने वाली है वो तीन चार तरीके के पोस्ट के लिए होती है। एक सबसे पहला आपका होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग, दूसरा आपका होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर इन अदर देन कैग, तीसरा आपका होता है LDC और PASA की टाइपिंग कंबाइंड। ठीक है, मतलब तीन तरीके का आप सभी का टाइपिंग होता है और तीनों में तीन तरीके का आपका टाइपिंग स्पीड खोजा जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग का, तो इसमें एक स्पीड खोजी जाती है जो कि 15 मिनट में आपको टाइपिंग करना होता है अप्रोक्स 50 का। ठीक है, 50 से कम ही है, मतलब कि आप मान सकते हो 48-49 है, तो आप समझ सकते हो कि 50 एक एवरेज मान के चलते हैं, तो 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है जो कि टाइपिंग आपकी होती है 15 मिनट की। दूसरा मैं बात करता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर इन अदर देन कैग, तो दो अदर देन कैग का जो वैकेंसीज होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसमें जो आपका स्पीड खोजा जाता है वो 27 वर्ड्स पर मिनट का होता है और उसके लिए टाइपिंग करने के लिए टाइम जो आपको मिलता है वो भी है आपका 15 मिनट का ही। ठीक है, तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं LDC और PASA का, तो LDC और PASA का एक ही टाइपिंग टेस्ट होता है और वो होता है आपका 10 मिनट का, जिसमें कि आपका स्पीड रिक्वायर्ड होता है 35 वर्ड्स पर मिनट का, तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट का आपको स्पीड चाहिए होता है। ठीक है, तो अब आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी टाइपिंग कितने देर का होता है और टाइपिंग में स्पीड क्या मांगी जाती है। आप जब भी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपका जिस किसी का भी एग्ज़ाम है, कोशिश कीजिए आप कि आप उसे 5 वर्ड्स पर मिनट एक्स्ट्रा करके आप जाओ, ताकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपका समय रहते आपका पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण कि आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आशा करूँगा कि इस वीडियो से आप सभी को बेनिफिट मिला होगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलता हूँ मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।